जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोबाइल के बारे में, जो अंडर 10,000 के अंदर आपको, 10,000 के अंदर आपको मोबाइल मिल सकते हैं। दोस्तों इन सब मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ फ़ीचर्स बताऊंगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज़रूर चेक करें। वहाँ पे आप जाके ज़रूर चेक करें इसका रेटिंग वोटिंग। आप इसको ऑनलाइन सब परचेस कर सकते हैं इन सारे मोबाइल के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो 5वां नंबर मोबाइल है उसका नाम है रियलमी 5। इसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB रोम और 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कैमरे की बात करें, इसमें आपको 4 कैमरे मिलते हैं, 12+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं, और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। रियलमी का कैमरा बहुत अच्छा होता है, मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसका प्रोसेसर भी कमाल का है, देख सकते हैं जैसा कि आप। और इन सारे फीचर्स के साथ आपको एक मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा 8,999, जिसका प्राइस है दोस्तों। अगर आप इसका पिक्चर देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, उसमें मैं इस फ़ोन का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। और इसकी जो फोटोज़ है, कैसा कलर वलर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे 4th नंबर फ़ोन है उसका नाम है Redmi Note 7S, और इसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB रोम और 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और कैमरे की बात करें तो 48+5 MP का बैक कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी थोड़ी सी कम है पिछले वाले फ़ोन के मुकाबले, लेकिन फिर भी इसका प्रोसेसर के हिसाब से बैकअप बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं, आप इस प्लास प्रूफ प्रोटेक्टर के साथ आता है, और इसमें क्विक चार्ज सपोर्ट भी है। और इन सारे फीचर्स का आपको एक फ़ोन मिल जाएगा, जिसका प्राइस है 9,999। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर चेक करें जाके वहाँ पे। यहाँ दोस्तों, जो हमारे 3rd नंबर फ़ोन आता है उसका नाम है Realme 3 Pro। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है, इसका रेटिंग आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके। दोस्तों इसमें 4 GB रैम और 64 GB रोम मिल जाता है, और 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। कैमरे की बात करें तो कैमरा भी इसका बहुत ही अच्छा है, 16+5 MP का बैक कैमरा और 25 MP का फ्रंट कैमरा है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी 4000 mAh मान के चलते हैं बैटरी है, और प्रोसेसर इसका बहुत ही अच्छा है, 710 ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है, और ओक फ्लास चार्ज 3.0 सपोर्टेड है इसमें, और डुअल नैनो सिम प्लस मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ ये आपको मिल जाता है सिर्फ 9,999 रुपये में, इसका प्राइस है दोस्तों। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर जरूर चेक करें। इसका कलर आप देख सकते हैं और इसकी रेटिंग देख सकते हैं आप दोस्तों। जो हमारे 2nd नंबर फ़ोन आता है दोस्तों, इसका नाम है Nokia 6.1 Plus। दोस्तों इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB रैम देखने को मिलता है, और 5.8 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों। इसका कैमरे की बात करें तो कैमरा मेरे ख्याल से थोड़ा कम है, और बैटरी भी कमी है दोस्तों। 16+5 MP का वो बैक कैमरा और 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो शायद ज़्यादा ही कम है, 3060 mAh की बैटरी है। प्रोसेसर की बात करें तो इसका 636 ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आपको ये मिल जाता है। इसका प्राइस है 8,999 रुपये दोस्तों। देखिए प्राइस के हिसाब से सारे फ़ोन अपने हिसाब से सही है दोस्तों। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं, और इसका रेटिंग भी देख सकते हैं जिन लोगों ने खरीदा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे 1st नंबर फ़ोन आता है उसका नाम है Redmi 8, और ये आपको 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ मिल जाता है। और दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि 512 GB इसमें एक्सपेंडेबल है, और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.22 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि ठीक ही ठाक होता है दोस्तों। HD+ भी डिस्प्ले सही होता है। और कैमरे की बात करें तो कैमरा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी सही है, 12+2 MP का बैक कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा। की बात करें तो बैटरी की बात करें तो बैटरी तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है इतने प्राइस में, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। और प्रोसेसर थोड़ा सा शायद मेरे हिसाब से कम है, लेकिन वो तो अब मोबाइल जो चलाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अरे दोस्तों, जो इसका प्रोसेसर Snapdragon 439 प्रोसेसर के साथ आ जाता है आपको, और इसका प्राइस है 7,999 रुपये दोस्तों। इसका भी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों
दोस्तों इन सारे मोबाइल फ़ोन्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों ऊपर आई बटन जरूर चेक करें, उसमें मैंने जो 7000 के अंदर मिलने वाले फ़ोन है उनके बारे में बताया है। ऊपर आई बटन जरूर चेक करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा हो।